गुड मॉर्निंग द क्लास सेट टुडे स्टार्ट द एचटीएमएल वीडियो नंबर 5। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक्स नेम इज स्ट्रिक थ्रू, इमेज सेट करना और उससे ज्यादा और उससे रिलेटेड जो है उनसे हम आज देखेंगे। ओके द क्लास सेट, तो फर्स्ट टॉपिक्स है सब स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट। सब स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट आखिर ये क्या है, देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन पढ़ा होगा, केमेस्ट्रिकल फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेम टू सेम वही एक यहाँ पर है जिसके अकॉर्डिंग हम जब यूज करेंगे। सब का मतलब होता है कि कोई भी लेटर को हम क्या करेंगे तो उसको अप के अकॉर्डिंग हम ला सकते हैं। ओके ओके, यानी कि सब, यानी कि जैसे कि H2O, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए H2 और O, तो H2O में क्या है, 2 जो है वो लेंथ से थोड़ा सा नीचे है और बाकी H और 2 जो है उससे वो एक लाइन के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए H2 और O, तो ये जो लाइन से नीचे चला जा रहा है ये कैसे कर सकते हैं हम वेब पेज पे, एमएस वर्ड पे तो कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कैसे करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा एक उसका कोड देख लेते हैं आज। ओके द क्लास 8, द फर्स्ट टॉपिक्स नेम इज सब स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट। ओके, इससे पहले वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब इसके बाद से जो है सब स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट है, उसके बाद से जो है सुपर है, तो वो भी हम लोग देखेंगे आज। तो कह रहा है कि सब टैग, इसका जो कोड हम यूज करेंगे वो सब टैग के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। द सब टैग डिफाइन अ सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सब टैग जो क्या है, कह रहा है कि डिफाइन करता है किसे, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को। कह रहा है कि सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर अ हाफ अ कैरेक्टर बिलो एन अ नॉर्मल लाइन एंड इट समटाइम रेंडर्स इन द स्मॉल फॉन्ट। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन be used for the chemicals formula like H2O, CO2. कह रहा कि जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर हाफ ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब कि आधा जो कैरेक्टर है ये ऊपर की तरफ जाएगा और आधा वो नॉर्मल लाइन से नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो ये कह रहा कि जैसे कि ये कहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल में कह रहा है केमिकल्स फॉर्मूला हो गया, जैसे वो H2O हुआ, CO2 हुआ, उसके अकॉर्डिंग फॉर द एग्जाम्पल जैसे यहां पे देख लीजिए कोड H एंड सब टैग A2 एंड क्लोज सब टैग NO। यहां पे जो कोड लगा हुआ है वो सिर्फ किस में लगा हुआ है, 2 पे लगाया गया है। किस पे लगाया गया है, 2 पे। क्यों, क्योंकि 2 जो लेटर है, जो कैरेक्टर है उसे हमें नीचे की तरफ लाना और बाकी को ऊपर की तरफ। यहां पे CO जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो CO जो है ऊपर की तरफ है और 2 जो है वो नीचे की तरफ, इसका कोड दिया गया है। ओके द क्लास 8, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये होगा, इसका थोड़ा सा कोड हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एचटीएमएल टैग, हेड, टाइटल, जैसे वेब पेज क्रिएशन हो गया, हेड इज क्लोज एंड अ टाइटल इज क्लोज। ओके, बॉडी, बॉडी हम ओपन करेंगे, फिर फॉन्ट कलर दे दिया हम यहां पे ब्लू, और H2O, H2 और O का जो कोड है उसमें हम लोग ने, मैंने थोड़ा सा एक रेड कलर उसमें लगा दिया हुआ है कैरेक्टर पे, ताकि आपको इंडिकेट दिखाई दे कि सब टैग एंड 2 एंड क्लोज सब टैग एंड O एंड BR। BR मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया गया हुआ है कि ताकि ये लाइन को ये टर्मिनेट कर दे और नेक्स्ट लाइन पे वो CO2 के लिए जो फंक्शन है वो हमें डिस्प्ले कर दे। तो CO जो है वो कार्बन ऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका होता है, लेकिन अगर 2 लगा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ओके, तो CO एंड अ सब टाइटल 2 एंड अ सब स्क्रिप्ट का हम इसका यूज करेंगे। अब एक बार हम लोग इसका कोड को हम करके देख लेते हैं। ओके द क्लास 8, जैसे ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, अब हमें क्या करना है कि नोटपैड हमें ओपन करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नोटपैड हम ओपन करेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे दें ताकि दिखाई दे अच्छी तरीके से। टैग, टैग HTML, टैग HTML, फिर क्या कर देंगे, एंगल ब्रैकेट। ओके, क्या देंगे हम लोग, एंगल ब्रैकेट,
तो एंगल ब्रेकेट हम देंगे और देने के बाद से फिर क्या करेंगे हम, जैसे कि और नेक्स्ट जो है, जैसे हेड अगर लगाना चाहते तब हेड लगा सकते हैं, टाइटल देना चाहते टाइटल दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से बॉडी टेक्स हम यूज कर दे रहे हैं ताकि आपको भी इंडिकेट हो जाए। ओके, बॉडी प्रेस इंटर, उसके बाद से जैसे कि यहां पे कोड देना था, तो जैसे कि यहां पे हम लगा दे रहे, जैसे क्या था H टैग सब एंड टैग टू, फिर क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे टाइटल को, ये टैग को किसे, तो H2 करने के लिए किसे, तो सब को, उसके बाद जैसे कि ये यहां पे हो गया, अब हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कोड को हम सेव कर दे रहे हैं, फाइल को यानी सेव कर दे रहे हैं कोड को क्लोज करके। ओके, जैसे यहां पे हो गया बॉडी, उसके बाद से जो हो गया वो हो गया HTML। ये जब हो जाए तब इसको क्या करेंगे, फाइल को हम सेव कर देंगे। ओके, जैसे मैंने यहां पे नाम दे दिया, जैसे sub.html। ओके, sub.html। अब मैं यहां पे सेव कर दे रहा हूं डायरेक्टली इसको डेस्कटॉप पे। ओके, देखते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम। देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है आपको sub के नाम से, देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है यहां पे h2। ओके, तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, द क्लास एट, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरव्यू डिस्प्ले करेगा H2O CO2। तो यहां पे जो कोड हम लगाए थे किसमें लगाए थे, तो H2 के लिए लगाए थे, दोनों में 2 के ऊपर हम यूज किए थे, किस कौन सबस्क्रिप्ट। ओके, जैसे आप ब्राउजर पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा ही हमारे पास स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करेगा। आप कोई भी कोड का अगर आप यूज करते हैं तो ये इसी के अकॉर्डिंग यूज करेगा। नेक्स्ट आता है, ये तो था सब, अब आता है सुपर। सुपर कह रहे कि सुपर स्क्रिप्ट एट्रिब्यूट, द टैग सुपर द टैग एचटीएमएल एलिमेंट स्पेसिफाई द ऑनलाइन टेक्स्ट व्हिच इज टू बी डिस्प्लेड एज अ सुपर स्क्रिप्ट फॉर द स्लोन्स टाइपोग्राफिकल रिसर्च। कह रहा है कि ये क्या होता है कि ये जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिकल का कैलकुलेशंस पढ़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, सब स्क्रिप्ट का ऑप्शंस क्या होता है, करता है कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए 10^2, ये क्या करता है पावर के अकॉर्डिंग ये चला जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि x का पावर 2 या फिर x+-1 या जो भी आप लिख देते हैं, तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन जो होता है वो सेम टू सेम इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो कैसे, तो कह रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट आर द एज यूजली द रिमाइंडर विद द रिजाइज बेसिक लाइन है यूजिंग द स्मॉलर टेक्स्ट। कह रहा है कि जो बेसिक लाइन से जो होगा वो टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा, और कब, ये ऊपर की तरफ कर देगा। ओके, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर द एग्जांपल 10 सुपर एंड 2 एंड अ सुपर इज क्लोज, तो सुपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इसको हम क्लोज नहीं करेंगे तो ये और भी टेक्स्ट को ये अपने अकॉर्डिंग ये ले लेगा। जैसे एक्स का पावर यहां पर दे रहा है कौन सा, तो 2, तो ये जो लगा हुआ है सुपर ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चीज हम लगाएंगे जैसे ही कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या देगा, जैसे कि मान लीजिए 10^2 ये करेगा 2 और नेक्स्ट वाले को क्या करेगा x^2। ओके, द क्लास 8, अब इसका एक बार कोड हम देख लेते हैं। देखिए, तो जैसे वही प्रोग्राम है HTML हेड टाइटल वेब पेज क्रिएशन एंड टाइटल इज क्लोज, हेड इज क्लोज, बॉडी टैग ओपन, फंड साइज 25 एंड कलर इज ब्लू। फंड का जो कलर जो है वो ब्लू कर दिया गया है, उसके पास जो कोड है वो यहां पे दिया गया है आपके सामने, उसके पास फंड इज क्लोज, बॉडी टैग इज क्लोज एंड एचटीएमएल टैग इज ऑल्सो क्लोज। तो ये जब क्लोज कर देंगे हम, तो ये क्या करेगा कि जब ये प्रोग्राम, जब हम इसको सेव करके जब इसका ये ब्राउजर के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, तो वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करेगा।
देखिए द क्लास सेट, तो वो कैसे डिस्प्ले करेगा? देखिए यहां पर 10 का पावर जो है 2 और x का पावर 2, तो यहां पे मैंने एक एरो से एक इंडिकेट कर दिया हुआ है ताकि आपको दिखाई दे कि सुपरस्क्रिप्ट किसे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर 10 का जो पावर है वो 2 जो है ये क्या है, सुपर का प्रोग्राम है। ओके, तो यही सुपरस्क्रिप्ट होता है जो 2 जो नॉर्मल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वो उस लाइन से ऊपर अप की तरफ वो बढ़ जाए। तो ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। ओके द क्लास 8। अब नेक्स्ट देखते हम लोग इमेज टैग। नेक्स्ट टॉपिक्स इज इमेज टैग, IMG टैग मींस इमेज। अब हमें क्या करना है, अपने वेब पेज पे इमेज को ऐड कर देना है। अब ऐड करेंगे हम इमेज को, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे कह रहा है कि इमेज प्रोवाइड IMG टैग टू ऐड इमेज इन द वेब पेज टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड इफेक्ट। वेब पेज पे वो डिस्प्ले कराता है। द सेंटेक्स ऑफ द इमेज टैग इज, इमेज टैग का जो सेंटेक्स होता है वो क्या है, इमेज SRC एंड एड्रेस। ओके, हियर एड्रेस इज द पाथ ऑफ द रिसोर्स दैट कंटेन्स द इमेज। ये क्या होता है, ये पाथ होता है किसका, रिसोर्स का, जो कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हम इमेज एड करेंगे। ओके द क्लास 8, हम लोग इसका एक बार कोड देख लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, उसका जो एग्जाम्पल है उसको एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कहते हैं फॉर द एग्जाम्पल टू इंक्लूज द इमेज ऑफ द काउ दैट इज द स्टोरेज इन द काउ 5.jpg। जैसे यहाँ पे jpeg के अकॉर्डिंग क्या है, फाइल का जो है ये इमेज फाइल का जो है ये एक्सटेंशन नेम होता है। ओके, तो कह रहा है कि द इमेज टैग विल बी द यूज ऑफ द फॉलोइंग इमेज SRC इन द काउ 5.jpg। द यूज ऑफ द इमेज टैग इज शो इन द फॉलोइंग कोड। कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस कोड के अकॉर्डिंग हम इमेज को सेट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज द HTML टैग हेड एंड टाइटल ऑफ वेब पेज क्रिएशन एंड टाइटल इज अ क्लोज, हेड इज क्लोज, बॉडी टैग इज ओपन एंड IMG SRC एंड एड्रेस। दिस इज कॉल्ड द एड्रेस। ये क्या है, इमेज का एक एड्रेस है। उसके बाद से क्या करेंगे, हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज करेंगे। बट इसमें जो है वो इमेज टैग जो है वो क्लोज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि इमेज टैग सिर्फ यहाँ पे ओपन है लेकिन क्लोज कहीं नहीं किया गया है। ओके, और जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने एक काउ जो है वो इस टाइप से आपके सामने दिखाई देगा, या फिर जो आप जो भी आप इमेज लगाए होंगे वही आपके पास आएगा। मैंने ये काउ लगाया हुआ है तो मेरे पास ये काउ डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे वो पाथ यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे वेब पेज क्रिएशन है। अब कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द अबव द HTML प्रोग्राम इज शो इन द गिवन इमेज। और भी बहुत सारे इमेजेस हम इसका यूज कर सकते हैं। एक बार मैं इसको करके भी दिखा देता हूं। ओके, तो ये जो हमारा कोड है मैं इसे ही फिर से ओपन कर देता हूं। ओके, जैसे ये एक इमेज, ये एक फाइल हो गया। अब हमें मुझे क्या करना है, इसी में इमेज का एक इमेज में लगा देता हूं। ठीक है, देखिए इमेज फाइल टैग IMG
आई एम जी। इसके बाद हमें क्या करना है, SRC इक्वल का साइन हम देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, हम टू टाइम डबल इंवर्टेड कॉमा का हम यूज करेंगे। ओके, जैसे मैंने शिफ्ट बटन दबा दिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि एंगल ब्रैकेट लगा देना है। जैसे कि यहां पे लग गया कोड, तो कोड लगने के बाद हमें क्या करना है, आपके सामने आप देख सकते हैं, अब हमें क्या करना है कि इसका पाथ लेना है, यानी कि एड्रेस लेना है। तो एड्रेस कैसे लेंगे, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। यहां पे हम क्या करेंगे, रन, RUN, रन। हम यहां पे एक ऐप पे क्लिक करेंगे, रन पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक रन का ऑप्शन यहां पे, जैसे आप यहां पे आ रहा है, तो लिख रहा है कि द टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरनेट रिसोर्स एंड द विंडो विल बी ओपन इट्स फॉर यू। ये एक मैसेज दे रहा है, हमें क्या करना है, ओपन करना, यानी कि ब्राउज के अकॉर्डिंग। ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं भी अगर इमेजेस है, तो हम वहां से इमेज ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज पे और भी बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इमेज लेना होगा। तो इमेज हम क्या करेंगे, लेंगे पहले। ओके, अगर आपके पास इमेज है तो आप वहां से इमेज ले सकते हैं। देखिए, एक मैं यहां पे से इमेज ले रहा हूं। पहले मैं क्या करना होगा, इमेज का कोई फाइल होगा उसको पहले मैं चूज करना होगा। अगर आपके पास इमेज का फाइल है तो ठीक है, तो आप यहां से इमेज ले सकते हैं। देखिए, ओपन यहां पे क्लिक कीजिए और इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। जैसे कॉपी यहां पे आए, कह रहा है कि पहले से ये है, तो अगर है तो ठीक है, उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए और इस फाइल को फिर से हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। फाइल सेव हो गया, अब हमें क्या करना है, फाइल को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखिए, ये यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, पहले ये जो था वो इमेज नहीं था, बट बाद में ये क्या हो गया, इमेज जो है वो एड हो चुका है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि अपने वेब पेज पे इमेजेस लगा सकते हैं, आप जो चाहे वैसे लगा सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा एक इमेज लगा दिया हुआ टाइपिंग इमेजेस के लिए, और भी बहुत कुछ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, द क्लास 8। अब हम लोग आगे इसे आगे देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट है अलाइंसमेंट। क्या है अलाइंसमेंट, ऑर्थीब्यूट, अलाइंसमेंट ऑर्थीब्यूट। कह रहा है कि यूजिंग अलाइंसमेंट ऑर्थीब्यूट फॉर द इमेज कैन बी द लेफ्ट अलाइंस और राइट अलाइंस इन द वेब पेज। कह रहा है कि ये अलाइंसमेंट जो यूज करेंगे हम, ये इमेज के लिए करेंगे, जो इमेज को लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में ये एडजस्ट कर देगा। कह रहा है कि अलाइंस ऑर्थीब्यूट अलोंग विद द इमेज टैग इज यूज एंड द एज दिस फॉलो। वो कैसे हम करेंगे, तो देखिए यहां पे इमेज SRC एड्रेस अलाइंस इज लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट एंड राइट क्या करेंगे हम, जैसे यहां पे वैल्यू दिया गया है, वो वैल्यू हम यहां से दे सकते हैं, और देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि इमेज के लिए हम कैसे सेट करेंगे, तो पहले उसका कोड हम देंगे, HTML हेड, द वेब पेज क्रिएशन कोड वही है, HTML बॉडी एंड SRC, ये हो गया हमारा एड्रेस। और एड्रेस देने के बाद से यहां पे आप देख रह सकते हैं कि ये जो है आपका अलाइंसमेंट दिया गया है, अलाइंस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड अ बॉडी एंड अ क्लोजिंग HTML। तो ये जब हम कर देंगे, तब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके वो क्या करेगा, प्रोग्राम जो देखिए ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है। जैसे ये आपका वेब पेज हो गया, ये वेब पेज है, तो वेब पेज में क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में ये इमेजेस है जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। बट अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का यूज करेंगे। तो कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द इमेज
above the HTML program is shown in the given image in the left hand alignment. ये left alignment का एक program है. अब हम इसको देखते हैं एक बार right hand alignment के लिए. तो देखिए, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको राइट हैंड साइड का इमेज दिखाई दे रहा है, जो कोड में हमने क्या किया हुआ है, किसको राइट हैंड साइड का यूज किया हुआ है. देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो इस डिस्टेंस या जो डिस्टेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो इसका जो डिस्टेंस है वो एकदम जीरो है. ओके, तो ये जो इमेज है वो राइट हैंड साइड में चला गया और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा का पूरा स्पेस ब्लैंक रह गया. तो कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द इमेज अबव द एचटीएमएल प्रोग्राम इज शो इन द गिवन इमेज इन द राइट अलाइनमेंट. ये जो इमेज जो है वो राइट अलाइनमेंट में है. ओके, द क्लास 8. अब हम लोग आगे इसे देखते हैं. हाइट एंड वेथ, कह रहा है कि हाइट एंड वेथ. अब इमेज में हमें क्या लगाना है, हाइट और वेथ लगाना है. मतलब अगर इमेज की जो साइज है वो छोटा ना हो और उससे ज्यादा बड़ा भी ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि हाइट एंड वेथ द आर्टिब्यूट आर यूज इन द साइज इन द इमेज इन द वेब पेज. ये क्या आंसर लगाएंगे हम, वेब पेज में आर्टिब्यूट जो है ये इमेज टैग का क्या करता है, ये इमेज को हाइट जिसे उसका लेंथ जो होता है उसकी हाइट और लेंथ में ये डिवाइड कर देता है. मतलब उसकी जो मान लीजिए पिक्सल के अकॉर्डिंग ये चेंज कर देता है. कहना कि दोस आर्टिब्यूट अलोंग विद द इमेज टैग आर यूज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. कह रहा है कि जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो जैसे कह रहा है कि इमेज SRC एड्रेस, जो इमेज का एड्रेस है वो देंगे, वेथ उसका वैल्यू देंगे, हाइट एंड उसका वैल्यू देंगे. ओके, तो दो हमें वैल्यू देना होगा. तो वो दो वैल्यू में हम क्या कर दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर दे सकते हैं, उसके वो अकॉर्डिंग वो हमारे सामने वो इमेज जो है वो दिखाई देगा. कह रहा है कि हियर द वैल्यू इज द साइज इन अ पिक्सल. ये जो साइज ये हमारा इमेज जो है वो किस पे डिस्प्ले करेगा, पिक्सल के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, तो ये जो पिक्सल होगा जैसे मान लीजिए 240 एंड 360, ये इसके अकॉर्डिंग हम इसका पिक्सल हम देंगे. ओके, तो कह रहा है कि द यूज ऑफ द अलाइंस वेथ एंड हाइट आर्टिब्यूट अलोंग विद द इमेज टैग इन सो इन द विलिंग फॉलोइंग कोड. तो उसके कोड हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हम यूज करेंगे. ओके, देखिए, तो ये जैसे कि एक कोड हो गया HTML हेड टाइटल द वेब पेज क्रिएशन एंड टाइटल इज क्लोज एंड हेड इज क्लोज द बॉडी टैग इज ओपन. इमेज टैग यहां पे लगा हुआ है और कोड यानी पाथ जो यहां पे लगा हुआ है. फिर क्या दिया गया, हाइट एंड वेथ. देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 240 एंड 360. फिर बॉडी टैग क्लोज एंड एस्टिमल टैग क्लोज. जैसे इसको हम यूज करेंगे तो ये जो हमारे डिस्प्ले करेगा वो देखिए इमेज की जो साइज होगी वो इस टाइप से हो जाएगी. तो कह रहे कि द आउटपुट ऑफ द इमेज अबव द एस्टिमल प्रोग्राम इज शो इन द गिवन इमेज हाइट एंड वेथ. ये जो है हाइट एंड वेथ में डिस्प्ले ये डिस्प्ले करेगा. एक बार हम इसका यूज करके देख लेते हैं. ओके, द क्लास 8. ये जो आपके सामने इतना बड़ा सा इमेज दिखाई दे रहा है, अब हमें क्या कर रहे हैं, इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं. ओके, सॉर्ट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मिनिमाइज कर दे रहे हैं. ओके, और इसका जो कोड है वो इसको ओपन कर रहे हैं हम. ये कोड हो गया. कोड होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये रहा इमेज. अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है. हाइट फर्स्ट हम अलाइनमेंट एक बार चेक कर लेते हैं इसका. तो पहले हम हाइट दे देते हैं. ओके, हाइट इक्वल टू एंड डबल इनवर्टेड कॉमा, इसमें हम नंबर दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 240 दे देते हैं. ओके, उसके बाद से स्पेस देके वेथ इक्वल साइन एंड 360. अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को मैं एक बार सेव कर देता हूं. ओके, फाइल जो है वो सेव हो चुका है. मैं इसे फिर से मिनिमाइज कर दे रहा हूं और ये जो आपका आपके सामने जो देखिए आ गया. ये पहले फुल स्क्रीन पे था, बट ये जो है वो आप कितना हो गया, इसका साइज जो है इसका लेंथ जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है.
तो ये चीज हम कर सकते हैं। अब ये जो एक अब इसका हम लोग एक बार अलाइनमेंट देख लेते हैं। ये अभी दिखाई दे रहा है जो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो यूज रहता है, बट अब हमें क्या करना है इसमें ये अलाइनमेंट सेट कर देना है। अलाइनमेंट हम डाल देते हैं, ठीक है। अलाइंस इक्वल टू, यहां पे जैसे वैल्यू में दे रहा हूं राइट हैंड साइड RIGST, ओके। देखिए यहां पे दे दिए हम कंट्रोल S, यानी कि मैंने फाइल को सेव कर दिया हुआ है, और फिर से मैं यहां से सेव कर दे रहा हूं, ओके। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए इमेज किधर गया, राइट हैंड साइड आ गया, आया ना। तो ये तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इमेज की जो है वो लेंथ हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड उसकी जो साइज है वो भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, ये इमेज जो है इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने थोड़ा सा और बड़ा दिखाई दे, ओके। तो देखिए ये तो सेंड लेफ्ट में आ रहा है, सॉरी वन सेकेंड, मैंने इसकी साइज ने तो चेंज नहीं की है। देखिए इसकी जो साइज है वो 240 है, अब यहाँ पे मैं 440 कर दे रहा हूँ, और इसका वेथ जो है वो 560, ओके। फाइल को मैंने सेव कर दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को फिर से ओपन कर रहा हूं, देखिए साइज बड़ा हो गया। तब अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, साइज को बड़ा कर सकते हैं और उसे छोटा कर सकते हैं, ओके। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर, कह रहा है कि बॉर्डर द बॉर्डर अर्थीब्यूट, नेक्स्ट टॉपिक इज बॉर्डर अर्थीब्यूट। कह रहा है कि द बॉर्डर अर्थीब्यूट इज यूज फॉर अ पुटिंग अ बॉर्डर अराउंड द इमेज। ये क्या करेगा, इमेज के चारों तरफ से एक बॉर्डर लगा देगा, कैसे? तो वो कह रहा है कि इट इज यूज अलॉन्ग विद द इमेज टैग एज अ फॉलो। इमेज टैग के अकॉर्डिंग हम इसका कर सकते हैं, इमेज SRC एड्रेस अ बॉर्डर थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, उसमें हमें क्या देना होगा, थिकनेस देना होगा बॉर्डर की साइज को। थिकनेस ऑफ द बॉर्डर कैन बी द एनी नंबर स्टार्टिंग द वन विच इज द थिकनेस इज बॉर्डर। कह रहा है कि सबसे लोएस्ट जो नंबर होता है वो वन होता है थिकनेस इसका, और हाईएस्ट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ओके। क्योंकि ये कह रहा है कि जब भी हम बॉर्डर देंगे तो उसका वैल्यू हमें देना पड़ता है, उसका थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो वन होता है, उससे नीचे का हम नहीं दे सकते, और उसे जितना भी उसे हाईएस्ट नंबर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉर्डर इज 7, यहाँ पे 7 दिया गया है, और मैं इसे और भी आगे बढ़ाकर दे सकता हूँ। इन द फॉलोइंग इमेज टैग विल पुट एट द थिंग्स बॉर्डर अराउंड इन द इमेज, इमेज टैग के अकॉर्डिंग हम ये क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। इमेज SRC cow na weights 150 and 110 and a border is 7, okay। to ek bar iska code hum log dekh lete hain, the class 7 sorry class 8, okay the class 8। to dekhiye keh raha hai ki the use of the border attribute along with the image tag as shown in the following code। to ye raha code aapke samne dikhai de raha hai, to border jo laga hua hai aapke samne dekhiye, ye raha border, okay। ये बॉर्डर आपके सामने दिखाई दे रहा है, कहां पे लगा हुआ है, तो इमेज टैग के अंदर लगा हुआ है। बाकी का कोड वही का वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, हाइट वैसा ही है, वेथ वही है, बस एक बॉर्डर यहाँ पे एड कर दिया गया है। तो अब इस कोड को जब हम यूज करेंगे तो आपके सामने एक आउटपुट जो आएगा तो वो इस टाइप से आएगा, ओके। देखिए ये चारों तरफ से आपके पास ये क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो यही बॉर्डर है। तो कह रहे कि द आउटपुट ऑफ द अबव द इमेज प्रोग्राम इज शो इन द गिवन इमेज इज बॉर्डर। कह रहे कि इमेज के चारों तरफ से जो राउंडेड जो एक लाइनिंग दिखाई दे रहा है वही क्या है, इसका बॉर्डर है। तो एक बार हम उसके प्रोग्राम को फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे यही इमेज है, इसी इमेज के चारों तरफ से एक बार बॉर्डर लगा के देख लेते हैं, ओके। तो कोड ये रहा, तो कोड में हम क्या करेंगे, देखिए
तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, कोड को हम यहीं पे लगा दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। बॉर्डर इक्वल टू एंड वैल्यू, जो इसका थिकनेस था वो हम 10 कर देते हैं, उसमें 7 था, यहाँ पर 10 कर दे रहे हैं, कंट्रोल एस दबा दिए हम, और एक बार फिर यहाँ से भी सेव कर देते हैं ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ओके, देखिए ये दिखाई दे रहा है F5 आ गया बॉर्डर। चाहते कि इसकी साइज़ और थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, तो क्या करेंगे हम 10 जो है यहाँ पे हम 20 करके देखते एक बार, ठीक है, कंट्रोल एस, और मोटा हो गया इसका थिकनेस। इसे कम करना चाहते हैं तो आप उससे कम भी कर सकते हैं, ये 20 है तो वहां पे 5 कर दे रहे हैं हम, सॉरी कंट्रोल एस, देखिए। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे कि इमेज में चारों तरफ से, मतलब अराउंड में हम क्या कर सकते हैं, इमेज पे बॉर्डर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आज का आपका ये क्लास, तो इससे आगे भी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे द क्लास 8, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि क्या क्या आज हम लोगों ने देखा, तो एक बार फिर से देख लेते हम लोग द क्लास 8। फर्स्ट हो गया सबस्क्रिप्ट एट्रीब्यूट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि केमिस्ट्रिकल फार्मूला का हम ज्यादातर इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्रिकल फार्मूला में जैसे H2O लिखना हो या फिर अदर कोई फार्मूला हो जैसे H2SO4 लिखना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेटर को नीचे की तरफ लाना है उसमें हम ये टैग का यूज करेंगे, कौन सा, तो सब टैग का यूज करेंगे, और उसके बाद उसका वैल्यू देंगे, फिर टैग को क्लोज कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर एक ही में दो या तीन का यूज करना है तब बार बार हम इस टैग का यूज कर सकते हैं, जैसे इसका हम यूज करेंगे वो क्या करेगा हमारे सामने डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक बार। ओके, जैसे यहाँ पे वो कोड था H2O, अगर यहीं पे मैंने एक बार और अगर कोड यहाँ पे अगर लगा दिया जाए, ओके, H2SO4, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो SO4 जो है वो सब में डालना पड़ेगा, और उसके बाद से 4 आप डालिए, उसके बाद से क्लोज कर दीजिए सब टैग को। टैग सब एंड अ 4 एंड अ क्लोज सब टैग। जब इसका हम यूज करेंगे कंट्रोल करें एस का यूज कर दिए हम, तो देखिए अब ये कोड जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करके वो डिस्प्ले करता है हमारे पास। ओके, तो देखते हैं एक बार इसको। देखिए ये यहां पे डिस्प्ले कर रहा है, तो इसकी साइज जो है वो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, अभी मैं थोड़ा सा इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, द क्लास 8 तो देख सकते हैं आप लोग, ये अभी छोटा दिखाई दे रहा है F5, तो ये क्या हो गया, तो इसकी साइज जो है आपको दिखाई दे रहा है कि H और 2 और F4 2 और 4 जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि इसको जितना चाहे उतना बार हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो ऑप्शनल टैग होता है, और ऑप्शनल टैग में हम क्या कर सकते हैं बार बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये आज का जो है ये कोर्स जो आपको मैंने आपको बताया। ओके, तो ये जो था आपका एग्जाम्पल वो सब स्क्रिप्ट का था, सुपर स्क्रिप्ट जो था ये सेम टू सेम वही है सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि ये जो नीचे की तरफ था अब ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो सुपर स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। ओके, जैसे यही कोड को अगर ले लिया जाए, तो इस कोड में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जैसे यहाँ पे एच है, तो एच के अगर जगह पे मैं 10 कर दे रहा हूँ, 10^2 अगर करना है तो आप 2 कर सकते हैं, लेकिन सुपर कीजिए, और यहाँ पे देखिए और बाकी का जो है ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके,
अब फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के बाद देखिए 10^2। तो ये चीज जो है आज का आपका जो आज का जो क्लासेस है द क्लास 8, तो हमने आज का क्या देखा, इमेज टैग के बारे में समझा कि इमेज कैसे यूज करते हैं, उसके बाद से उसका ऑर्थीब्यूट जो है अलाइनमेंट कैसा, कौन कौन सा अलाइनमेंट जो होता है वो यूज किया, जैसे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट जो हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद से जो हो गया उसका हाइट एंड वेथ का हमने आज पढ़ा, ओके। तो उसके बाद से जो है वो बॉर्डर था। नेक्स्ट टॉपिक से बॉर्डर की इमेज के चारों तरफ से हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑडियो और वीडियो को कैसे यूज करते हैं, ओके। द क्लास 8, तो आज के लिए इतना काफी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।